पिछले दो तीन दिनों से महेश जैन जी लगातार मुझे फोन कर रहे थे यहाँ पे आने के लिए, और हमारी नौकरी ऐसी है कि काफ़ी हेक्टिक हम लोगों का हम लोगों की जिंदगी रहती है, और अभी जब हम इधर से क्रॉस कर रहे थे तो अचानक मुझे याद आया कि आज अंतिम दिन है और मुझे यहाँ आना है, और मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मैं पूरे मनोयोग के साथ इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूँ कि यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो जाती, और एक बहुत एक जो लाभ का जो विषय है वो लाभ हम लेने से वंचित हम हो जाते। अभी आदरणीय दीदी ने जो आध्यात्म के बारे में और परमात्मा के बारे में इन्होंने जो अपनी बातों को रखा है, और होली में किस प्रकार से चार विषयों पर हम होली मनाए इन्होंने इस बात को रखा है, तो मैं इनकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और मैं आप सभी से एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि आप इसे याद करिए कि आप जब भी परमात्मा के दरबार में आप जाते हैं, आप किसी मंदिर में जाते हैं, और जब आप परमात्मा के दरबार से ईश्वर के दरबार से जब आप वापिस वहां से होते हैं तो आप अपने मनोभावना को याद रखिए, आप याद करिए कि आप अपने आप को बहुत ही फ्रेश आप महसूस करते होंगे, बहुत ऊर्जावान आप जो है महसूस करते होंगे। आप किसी सिनेमा हॉल से आप सिनेमा देखकर निकलिए या किसी कार्यक्रम से आप निकलिए और परमात्मा का दर्शन करके, ईश्वर का दर्शन करके, और जब आप उनके प्रांगण से आप बाहर निकलेंगे तो मुझे लगता है कि जो शांति मिलती है, जो खुशी मिलती है और जो ऊर्जा मिलती है वह कभी इस प्रकार की ऊर्जा, शांति और खुशी किसी दूसरे दरबार से निकलने पर यह नहीं मिलता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो परमात्मा और ईश्वर की जो आराधना है, उनमें जो विश्वास व्यक्त करना है, या अपने शरीर के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने शांति के लिए और एक एक्स्ट्रा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। और मुझे याद है जब मैं कॉलेज से